ट्रेड बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में 22वीं ओएससीसी की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि यह ओएससीसी की बैठक वर्ष में दो बार होती है, परंतु कोविड की वजह से 2019 में आयोजित 21वीं बैठक के बाद आज यह बैठक हो रही है। इस बैठक में ONGC, IOCL एवं गेल के झारखंड में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में समस्या समाधान एवं आपसी समन्वय से संबंधित बातों पर चर्चा होती है। इस बैठक में ONGC, IOCL एवं गेल के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान एवं कार्य करने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं को पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर हल करने पर जोर दिया गया। वहीं पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले नए प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, विधि व्यवस्था एवं पाइपलाइन से अंतरराज्यीय तेल चोर गिरोह से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक के साथ साथ मुख्यालय के नोडल अधिकारी से भी किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व से ही इस कार्य में स्थानीय पुलिस का भरपूर सहायता मिलता रहा है। वर्तमान में इस वर्ष IOCL के पाइप द्वारा तेल चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है। बेसिकली तो बेटर कोऑर्डिनेशन की जो होती है डिफरेंट इसके अंदर कंपनीज हैं, चाहे वो IOCL हो, ONGC हो, जेल हो, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन से संबंधित होती है कि अलग अलग जो हमारे जिलों में काम चल रहा है वहाँ पर कोई परेशानियाँ ना हो, कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो और स्मूथ ऑपरेशन बेसिकली चलना चाहिए, उसी को लेकर के ये मीटिंग होती है जो कि वर्ष में दो बार होनी चाहिए। उसी के तहत आज ये 2023 की पहली मीटिंग की गई थी। सर, राज्य के विभिन्न इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, कितनी चुनौती है इन तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने में? नहीं, नक्सल समस्या तो चूँकि आप भी जानते हैं कि वो कम हो गई है। नक्सल समस्या को लेकर के जो अभी ऑपरेशन डे टू डे के ऑपरेशन इन कंपनीज के चल रहे हैं उसमें कोई चुनौती नहीं है। नहीं, वैसी मेजर कोई शिकायत नहीं है। छोटी मोटी शिकायतें हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में चलती रहती है कि कहीं एंक्रोचमेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, पिलफरेज वगैरह चोरी की कोई समस्या हो गई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने आपस में शेयर की है और उसको आने वाले टाइम में उसका निराकरण किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।